मैं संजीव कुमार यादव, आज देख रहे होंगे कि हम जो है गेंदा के जो है खेती में आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे इधर पूरा गेंदा की खेती हो रखी है, चारों तरफ जो है गेंदा वो है। इस समय तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि कितना गेंदा है, क्योंकि सुबह सुबह देख लीजिए उधर निकाल लिया गया है, तुड़ाई हो गई इसकी। अगर सुबह आते तो अच्छे तरीके से हम दिखा पाते, लेकिन बहुत ही तेजी से इधर दिखा दिखा दीजिए भैया, दिखाओ उनको ढंग से दिखाओ, देख लीजिए आप तो बढ़िया से दिखा देते आप। इधर पूरा तुड़ाई हो चुकी है, आपको खेत में दिख नहीं रहा होगा ढंग से कि नहीं कितना फूल है कितना नहीं है, बाकी देख लीजिए पूरा तुड़ाई हो चुकी है। तुड़ाई होकर ढंग से इतना पूरा एकदम भरा हुआ है, देख रहे हैं सारे इधर के किसान भाई सब जो है इसी की खेती करते हैं गेंदे की। तो आज हम सारी जानकारी जो है इन किसान भाई से मिलते हैं और सारी जानकारी आपको देंगे। भैया आपका नाम? उमा शंकर कश्यप जी। जैसे कि आप कब से खेती कर रहे हैं? इधर करीब एक साल हो गया। एक साल से? दो सीजन हो गए। दो सीजन? अजी इधर आजी कर दीजिए। तो टोटल जैसे आप कितने एरिया में मतलब है? 22 कट्ठा में है। 22 कट्ठा में? तो आप स्टार्टिंग में जैसे खेत जुताई किए होंगे? जुताई करके उसमें खाद डाले थे, 20-20-013 डाले हैं। 20-20-013 हाँ, और गोबर की खाद डाले हैं। गोबर की खाद डाले हैं सबसे पहले ये किया है। उसके बाद ये पौधा आता कहाँ से है आपका? कलकत्ता से आता है। बीज आता है या पौधा आता है? उसमें देख के बातें करिए। पौधा आता है। पौधा आता है हाँ। तो जैसे पौधा कैसे रेट क्या रहता है इसका? इसका 300 रुपये का 1000 आता है। 1000? और कितने पौधे लमसम लगते हैं इसमें? एक बीघे में करीब 20,000 पौधे लगेंगे। 20,000 पौधे हाँ। एक बीघे में हाँ। अच्छा, तो वहाँ से आने में पूरा का आपको एक रेट क्या रहता है उसका? तब उसमें 1000 पर 300 रुपया। 300 रुपये हाँ। तो आप फिर उसको पूरा लगवाते हैं हाँ। लगवाने के बाद क्या इसको जो है जोताई करके पानी चला करके ले जैसा जी जी धान की खेती जैसा लगा करके उसमें बोदा जाता है। उसके बाद जैसे सीजन से बहुत सारे रोग आते होंगे ना, कौन कौन से रोग इसमें आते हैं? बहुत इसमें जो है कि कीड़े का दवाई छीटा जाता है, और फिर जो चलने वाले कीट होते होंगे, चूसने वाले होते हैं, वो सब लगते हैं। वो कीट का वो जो है इन्फेक्ट किया हुआ है, और बाकी रोग भी बहुत सारे लगते रहते हैं हाँ, तो जैसे उसके लिए आप दवा छिड़कते रहते हैं? दवा छिड़कते? कौन कौन सी दवा डालते हैं कुछ पता है आपको? नहीं उतना पता नहीं है जी जी। मतलब रोग लगते हैं जो भी लगते हैं, और जो माउथ पार्ट जिसका जो जिससे मुंह का रंग जो है काटने वाला था वो होते हैं, चूसने वाले होते हैं, जैसे थ्रिप्स हुई, माइट हुई, और अलग अलग जैसे ग्रब्स हुए और बीटल्स हुए, ये सब सारे जो है कीट लगते रहते हैं इसमें गेंदे में। तो जैसे आप तो इसे फायदे के लिए करते हैं? जी जी फायदे के लिए करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक मतलब अगर आपको कह दिया जाए वेराइटीज, मतलब जैसे गेंदे के फूल से लेके नीचे जुताई से लेके मतलब खाद से लेके बाकी दवा से लेके सारी चीजें करने के लमसम एक बीघे में खर्च कितना आता है? करीब 40,000 तक आ जाएगा। 40,000 तक पूरे खर्च मतलब आता है। और एक सीजन कितने का होता है, कितने दिन का होता है? ये एक सीजन 6 महीने तक चलता है। 6 महीने तक एक सीजन चलता है। और एक सीजन में कितनी बार तुड़ाई होती है? करीब 50 बार मानी 50 बार तुड़ाई इसकी हो जाती है लमसम। तो अगर जैसे पूरा कर दीजिए, मैंने 50,000 इसका जो है लमसम 50,000-40,000 जो है खर्चा आता है, अगर इसको पूरा तुड़ाई करके खत्म कर दिया जाए तब कितना आपको फायदा कितना मिल जाता है? करीब 70-80 हजार फायदा हो जाता है। 1,00,000 फायदा हो जाता है। 1,00,000 मतलब अगर उसको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया मतलब घाटा मतलब जितना आप लगाते 40,000 को छोड़ने के बाद जो है 1,00,000 तक लमसम फायदा हो जाता है 4 महीने में। तो आपके लिए अच्छा है कि धान से गेहूं से अच्छा है कि खेती की उसकी जैसा है? धान से तो गेहूं से फायदा ही है। फायदा है मतलब फायदा लमसम मिल जाता है। तो जिस भी किसान भाइयों को अगर खेती करना है गेंदे की, तो भैया बता रहे सारी चीज जानकारी दे दी। अगर जैसे नहीं समझ में आएगा तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर भी आके फिर से आपको बताएंगे सारी चीजें। आप जान लीजिए कि ये फायदा है धान गेहूं अगर आप जो भी करते हैं, अगर सही से नहीं होता खेतों में तो आप गेंदे की खेती करिए। आपको पूरी सारी जानकारी जो है भैया ने दे दिया है। तो आप घर कहाँ है? मैरिटर बांसडी विधानसभा क्षेत्र में। जिस जिला कौन सा है? बलिया जिला। बलिया जिला के जो बांसडी के जो है मैरिटर जो है गाँव है, यहाँ पे खेती होती है।